the dump. कहाँ जा रहे हो कुंदूस? क्या तुम ज्ञातु को एक और खबर देने जा रहे हो? मुझे नहीं मालूम किसकी बात कर रहे हो तुम। बालगाय सब कुछ जानता है। तुम मेरे साथ आओगे? अगर मैं ना आऊं तो? मैंने तुमसे पूछा नहीं कि तुम मेरे साथ जाना चाहते हो या नहीं। मेरे साथ चलने का हुक्म दिया था मैंने। तुमने देखा, अगर मंगोल तुम्हें किसी चीज का हुक्म देता है तो तुम्हें वो हुक्म मानना है। बहुत शानदार सल्वादोर। उस्मान और उसके सिपाही जल्दी यहां होंगे। इन्हें चारों तरफ से घेर लो, यहां से कोई जिंदा ना निकल पाए। क्यों किया तुमने? ज्ञातु को यह सब क्यों बताया कुंदूस? तुम्हें ये किसने बताया? अब जबकि तुमने बालगाय को अपना दुश्मन बना लिया है तो तुम्हें यह सब कुछ सहना पड़ेगा। मैं नहीं जानता इस बारे में कि तुम्हें किसने झूठ बोला है। लगता है हमें नुकसान पहुंचाने वालों का अंजाम क्या होता है तुम नहीं जानते। इस बात का जल्द पता चल जाएगा। मैदानों में भी तुम लोग लड़ाका थे और सोगोद में भी ऐसे ही हो। रस्सी जल गई बगैर बल नहीं गया। अब हमारे मुंह को खून लग चुका है, चेहर कोता है। अगर मैं ना मार सका तुम्हें
तो मेरा भाई उस्मान जरूर मारेगा, नेस्त तो नाबूद हो जाओगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम शेख। वालेकुम अस्सलाम। मैं उस्मान साहब का सलाम लाया हूं। सेल्वाडोर, बदतर इंसान। कोई जिंदा ना बच पाए। तुर्क होना आसान नहीं है सोफिया, मजलूमों के लिए जालिम से लड़ना पड़ता है। लेकिन तुर्क ना होना भी बदकिस्मती है, क्योंकि तुर्कों से लड़ना पड़ता है। तुर्कों को खाक में मिला दूंगी। शहजादी सोफिया खामोश खड़ी रहो। चलो बैठ इधर।
पूरी दुनिया में मनादी करा दो। परवाह नहीं अगर पूरी दुनिया के काफर भी मेरे सामने आके खड़े हो जाए। उस्मान जंग की इब्तिदा कर चुका। अल्लाह हू अकबर। तुमने गिहादू को मेरे बारे में क्या बताया? गिहादू के खौफ से तुम्हें पता ही नहीं कि तुम क्या कर रहे हो पालकाए। बोलो। तुम्हारे कवानीन के बारे में या जो तुमने किया उसके बारे में कुछ नहीं जानता था जब तक तुम्हारे इस कुत्ते ने मुझे यहां लाकर बांधा नहीं था। मुझे सब कुछ बताओगे वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि मौत की भीख मांगोगे, समझे? सिपाही तैयार है बालगाय। कौंगर की कोई खबर है? नहीं बालगाय, लेकिन वो खाली हाथ वापस नहीं आएगा। मेरे वापस आने तक तुम इसका मुंह खुलवाओ। या जो आपका हुक्म बालगाय। कमांडर लास्करेस, शहजादी सोफिया को ढूंढे बगैर खले वापस मत आना, समझ गए मेरी बात? अम्मा मरियम की कसम खाता हूं मैं, शहजादी को ढूंढे बगैर वापस नहीं आएंगे। जिस दिन तुर्क और मंगोल इस सरजमीन पर आकर आबाद हुए, लानत हो उस दिन पर। आका यानीस, उस्मान साहब आए। लेकर आओ उसे। उस्मान।
सोफिया, मेरी बेटी कहाँ है? सिलजान खातून के साथ तुमने क्या किया था? तुमने उनको पकड़कर साबित किया था ना, और मुझे उनका खंजर दिखाया था। मैं आज तक कुछ नहीं भूला यानिस। सोफिया मेरे पास है। बताओ क्या हुआ है उसे? कुछ नहीं हुआ उसे। गीदड़ की तरह पिंजरे में सो रही है और इंतजार में है कि मेरे बाबा बचाने आएंगे। अगर तुमने मेरी बेटी के साथ कुछ बुरा किया। सौदा करने आया हूं मैं यहाँ। अगर मैं यहां से जिंदा वापस गया तो ही सोफिया जिंदा रहेगी। तुम मुझसे क्या चाहते हो उस्मान? बाल गाय। छोड़ो, चलो अंदर। छोड़ो मुझे। तुम मेरे साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकते। खोलो मेरी आंखें। मैं कहती हूँ खोलो मेरी आंखें। खोलो, खोलो। खोलो। बाला खातून, ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई सोफिया? आंद्रिया, साल्वाडोर और हेलेन कहाँ है सब? उनके बारे में जानकर क्या करोगी? बहुत कुछ है तुम्हें बताने के लिए, जो तुम्हें अच्छा लगेगा। मेरे बाबा शेख अदाबाली एक मुबारक जंग के लिए आहियों को इकट्ठा करने गए हैं। उस्मान साहब ने जो मंसूबा बनाया है वो तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हें अपने सामने जलती आग नजर नहीं आ रही? और उस आग को रोशन किए हुए बहादुर फौज भी। अफसोस, हमें इस लोमड़ी को मजबूती से बांधना होगा। आप इन रस्सियों को काट दें। चले जाए, मैंने कहा चले जाए। खुशफहमी में मत रहना बाला। मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, तुम्हारा अंजाम वाज़ेह है। तुम फना हो जाओगी। मुझे धमकाने से पहले दिखाओ तो सही तुम में कितनी ताकत है। तो ये लो,
तुम्हारा इनाम। कितने अहियों को कत्ल किया है, लेकिन अब और नहीं। आकचा, पहलवान, जुल्फिकार, दरवेश और बहुत से आही। शेख अदाबाली आ गए। सोफिया, ये काफी ना थे कि उस्मान साहब भी आ गए। ये दिन कभी मत भूलना बाला। नहीं भूलूंगी मैं, लेकिन तुम भूल जाना। अपनी इस हालत को याद मत रखना। आप ठीक तो है ना? अगर बालखाए मैंने तुम्हें दिया तो गया तो जो है वो इस किले को तबाह कर देगा। एक ना एक दिन तो होना ही था, जानते हो तुम भी। ये बालखाए से मुआहिदा हुआ है, आखिर मैं उसे क्यों धोखा दूं? एक दूसरे को ही तुम दोनों धोखा दे रहे हो। क्या लगता है तुम्हें जानेस कि आखिरकार जीत किसके नाम होगी? वक्त आएगा कि तुम दोनों एक दूसरे को ही मारने की कोशिश करोगे। याद रखना, तुम्हें और अपने कबीले को बचाने वाला कोई और नहीं, सिर्फ मैं हूं। फिर क्या होगा? सैलाब गुजर जाता है, रेत रह जाती है यानेस, और उस वक्त सोफिया का और उसके साथ शैतानी ताकत का हम खुल के सामना करने से दरेक नहीं करेंगे। या तुम रहोगे या हम रहेंगे। बोलो, मैं सुन रहा हूं। तुम कल बलगाय को तकफूर की तरफ जाने के लिए कायल करोगे। वो इस लालच में आ जाएगा कि सोने और हीरे जवाहरात से भरे संदूक उसको दिए जाएंगे। बलगाय जंगजुओं के साथ खेमे से निकलकर जिस रास्ते से गुजरेगा वो जानता हूं मैं। तुम ऐना गोल के रास्ते में उसके लिए जाल बिछाओगे, है ना? ऐसे ही हम दोनों को उससे निजात हासिल होगी यानिस। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मुट्ठी भर सिपाहियों से तुम उसके नौकरों का मुकाबला कर सकते हो? वो मेरा मसला है। फर्ज करो तुमने बालगाय को मार दिया, मुझे क्या पता है कि तुम्हारा काम हो जाने के बाद तुम मेरी बेटी को वापस कर दोगे? अर्तुरुल गाजी का जानशीन हूं मैं, इसलिए भरोसा कर सकते हो। सिपाहियों, दुश्मनी अलग चीज है और एतमाद अलग। तुम पर भरोसा कर सकता हूं, लेकिन बड़े मकासिद में एतमाद काफी नहीं होता। हमारे दरमियान मुआहदे की निशानी के तौर पर
चंगेज खान के कवानीन हवाले करूंगा। अगर सही सलामत तुम्हारी बेटी आ जाए तो फिर ये कवानीन वापस करना। अगर तुम मर गए उस्मान, चंगेज खान की ये अमानत तुम्हारी बेटी सोफिया से कहीं ज्यादा अहम है। सही वक्त आने पर ये कवानीन लौटाकर अपनी बेटी ले जाना। बात खत्म हुई। अगर मैं तुम्हें और कवानीन दोनों को हासिल कर लूं, अपनी बेटी को कुर्बान कर दूं तो? सोफिया को कुस्तुंतुनिया की आने वाली मलिका बनाने के ख्वाब से तुम पीछे नहीं हट सकते यानिस। सोफिया के बगैर तुम कुछ नहीं। अब क्या होगा हुजूर? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हुजूर? आ जाओ। सब खैरियत तो है, क्या हो गया है? ये वक्त सोच विचार करने का नहीं है, अमल करने का है। गुंदोस, गुंदोस के साथ कुछ बुरा हुआ है, बताओ इन्हें। हुजूर, गुंदोस साहब के दो सिपाही मिले हैं, वो मर चुके थे और गुंदोस साहब का कुछ भी नहीं पता चला। किसने मारा है इन्हें? हम नहीं जानते हुजूर। गुंदोस कबीले से क्यों गया था? वो कहाँ जा रहा था? उस्मान को तलाश करके उनके साथ जंग में शामिल होने गए थे। तो क्या अब जंग भी तकसीम हो गई है? क्या अब उस्मान की जंग हमारी जंग से अलग है? हाँ बिल्कुल अलग है। जिस वक्त मंगोल काई सरदार का इंतखाब करेंगे तो अब से हमारी रिवायात और जंगें भी अलग होंगी। तो फिर जब तुम मुश्किल में होते हो तो मेरे पास दौड़ते क्यों आते हो सलचान खातून? तुम उस्मान से मदद मांगने क्यों नहीं जाते? हाँ उस्मान एक मफरूर है, अगर तुम देखना चाहो तो वो तुम्हें नजर नहीं आएगा। जब तुमको कोई मुश्किल आन पड़ती है तो तुम मेरी सरदारी में पनाह लेते हो जिसको तुम मानते नहीं। एक बार फैसला करने से पहले सोच लेते। याद रखना उस्मान के पीछे जाने वाले भी किस दरवाजे से मदद मांगने आए थे, ये बात अच्छी तरह याद रखना। जाओ सिपाहियों से कहो तलाश शुरू करें। आप क्या करेंगे हुजूर? कहाँ जा रहे हैं? मुझे बालगाय से मिलने जाना होगा। कुंदूस उस्मान के पीछे गया है, बालगाय के पास क्यों? उसे क्यों शामिल कर रहे हैं इसमें? मंगोल हर जगह है खातून, हो सकता है उन्हें इस बारे में कुछ मालूमात हो। मैं जाकर पता करता हूं। बतूर तुम मेरे साथ चलो बेटा, अपना ख्याल रखना। भाइयो उस्मान, तुमने क्या किया उस्मान? यानिस ने पेशकश कबूल कर ली है, बलगाय को ललचा कर लाएंगे। आखिरकार वक्त आ गया है कि वो अपने किए की कीमत चुकाएगा। आपका इरादा क्या है? क्या आप बलगाय को लेंगे? नहीं, जान लूंगा मैं उसकी। जुल्म का अंजाम क्या होता है ये इस बार हम उसे जरूर दिखाएंगे। बलगाय और उसके साथ ही देखेंगे कि तुर्क अगर खड़े हो जाए तो क्या कर सकते हैं।
जो हमारी शाख काटने की कोशिश करेगा हम उसको जड़ से ही उखाड़ कर रख देंगे। माशाल्लाह मेरे शेरो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हुजूर, गुंदूस साहब, क्या हुआ भाईजान को? गुंदूस साहब कहीं नहीं मिल रहे, हमने हर जगह तलाश कर लिया उन्हें। क्या कह रहे हो यरकोत? बालकाय ने किया है ये। कि हाथू को खबर किसने पहुंचाई वो ये जानना चाहता है। भुगतेगा। बस ठीक है, हमें जाना होगा बालकाय के खेमे में जाना होगा। हुजूर, हमला करने के लिए रात का इंतजार करना चाहिए। भलकाए खले में होगा इस वक्त और भाईजान को खेमे में छुपाया होगा उसने। यही वक्त है, चलो। गोनूर, यही रुको उसके पास। ये तो जरा सी खराश है। मुंह खुलवाओ इस गीदर का। कोनी को मारने वाला भी यही है। बलगाय की अगली चालों का पता लगाना होगा। यहां तो कुछ मालूमात हम फराहम करेंगे, वो इसकी कब्र खोद कर रख देंगे। और हां गोनूर, अच्छे से नजर रखना इस पे। बिल्कुल हुजूर। तुम क्या करने के इरादे कर रही हो जहरा? मैं क्या करूंगी खातून? तुमने ही कहा था कि तुम बतूर को कपड़े भेज रही हो और बाला जाल में फंस गई, और अब गुंदूस, उसके ऊपर बीच राह में हमला कर दिया गया। बताओ मुझे किसने किया ये? बताओ इन सब के पीछे कौन है? बहुत हो गया। बस नहीं, अगर इन सब में तुम्हारा हाथ हुआ तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी सहरा, ये बात याद रखना। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है खातून? गौरतलब बात ये नहीं है कि मेरे कहने का मतलब क्या है, बल्कि तुम्हारी परेशानी है जिसको छुपाने में तुम नाकाम हो।